आज हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइम पे जैसे हम लोगों ने इमेज अपलोड करना सीखा था, ठीक है, उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इमेज को डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि इमेज को डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं, तो इमेज को डेटाबेस में हम लोगों ने कहा था कि इमेज डेटाबेस में सेव नहीं होती है, उसका इमेज का नाम सेव होता है। तो हम लोग फिर से इसमें लॉगिन कराते हैं और यहाँ पे इसका फोल्डर स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं, फिर लॉगिन पे चलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे हमने ऑन किया है। इसमें देखिए जो चीज़ें पहले थी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिलेगी आपको, जिसमें से आप फैमिलियर हो, रजिस्ट्रेशन, साइन अप। जिसमें से साइन अप पे क्लिक करते थे तो रजिस्ट्रेशन वाले पे पीएचपी पे जाते थे, जिसमें हमारा डेटाबेस में यूजर डिटेल सेव करने का काम कर रहा था। और इसमें इंडेक्स से हम लोग कभी साइन अप पे मूव करते थे तो कभी लॉगिन वाले पे करते थे, और इसी इंडेक्स से हम लोग लॉगिन भी करते थे यूजर को। इसमें कुछ जी दो चीजें ऐड ऑन हुई हैं, जैसे यहाँ पे फीडबैक आपका ऐड ऑन हुआ है और एडमिन ऑन हुआ है। कहने का मतलब जैसे जी अभी हम बाय डिफॉल्ट रन कराएंगे तो इंडेक्स डॉट पी एच पी रन हो रहा है, अगर हमें यहाँ पे जी एडमिन वाले पेज को रन कराना होगा तो फिर हमें यहाँ पे एडमिन डॉट पी एच पी लिखना पड़ेगा, फिर ये एडमिन वाला पेज ओपन होगा। जी एडमिन का रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग है, एडमिन का लॉगिन फॉर करेंगे तो इसका एडमिन का प्रोफाइल पेज अलग हो जाएगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना अगर नहीं चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कर लेते हैं। एक एडमिन हमने यहाँ पे नाम दे दिया, एडमिन मैनेजर, एडमिन का ईमेल आईडी दे दिया, जी admin@gmail.com, और पासवर्ड दे दिया 123, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इसका हो गया, फिर से ये बेस वाले पे ला करके हमें रख दिया। अब इसको लॉगिन करना है तो फिर से हमें एडमिन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से यूजर नेम में हमने एडमिन दिया था, जी admin@gmail gmail.com। क्या है सर, तबीयत ठीक है कि नहीं? तभी तो बंद करवाया हूँ, आ नहीं admin@gmail.com। रहा सर, क्या बात हो रही है? अरे ये टाइप कर रहा हूँ कहाँ चला जा रहा है, admin@, वही वही मैं देख रहा हूँ। इसमें देखिए एक वैलिडेशन लगा रखा गया है। इसमें देखिए यहाँ से एडमिन का एक टेबल हमने बनाया है जो रजिस्टर अभी किया है हमने, इसमें admin@gmail.com यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, और इसमें admin@gmail.com पासवर्ड ही है, और इसी को यहाँ से हमने लॉगिन करा रहे थे, admin@, कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है कि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिसको हमें बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, खुद से हो जाए, जैसे न्यूज़पेपर के हो गए, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो क्रिकेट के स्कोर वगैरह दिखाते रहते हैं हम लोग, तो उसको बार बार कोई रिफ्रेश थोड़ी ना करेगा आपकी वेबसाइट को। तो हम चाहते हैं कि अगर इतने टाइम के बाद वेबसाइट हमारी रिफ्रेश हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे, रिफ्रेश लगा सकते हैं यहाँ पे जितना टाइम देना हो। जैसे अगर हमने 1 मिनट का लगा देते हैं तो 1 मिनट बाद वो क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा। जो ये हम यहाँ से टाइप नहीं कर पा रहे थे ना ऑटोमेटिक, जैसे एडमिन टाइप कर रहे थे गायब हो जा रहा था, तो यहाँ पे हमने 1 मिनट का लगा दिया तरह थोड़ा सा। इमेज सही से नहीं आ रही आपकी। हाँ ओके सर, सही से नहीं आ रही, अटक रही है सर। काफी स्लो मोशन में चले गए हो सर आप।
अभी क्लियर है? मेरे को लग रहा था मेरा नेट स्लो चल रहा है, ये अभी मेरा सबका नेट स्लो चल रहा है। अभी सही है? मुझे भी लगा कि मेरा इंटरनेट खराब हो इसमें अगर हम लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा फिर से लॉग इन करते हैं, यहाँ से एडमिन पे हम लोग जाते हैं दोबारा से, एडमिन डॉट पीएचपी को ओपन करते हैं। ये जो रिफ्रेश हो रहा था बार बार 5 सेकंड पे, उसको हमने यहाँ पे 1 मिनट का कर दिया है। तो एडमिन एट द रेट जीमेल हो गया, और पासवर्ड हमने 123 दिया था। लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आप इसको मेन्यू प्रॉपर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। एडमिन प्रोफाइल में ये एडमिन फोल्डर के अंदर ये प्रोफाइल डॉट पी एच पी है। इसका होम पेज पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल वाला पेज है, अबाउट वाला पेज, यहाँ पे कोई भी कुछ भी कंटेंट नहीं है इसमें। और कॉन्टेक्ट वाले का है, यहाँ से अबाउट वाले पे, यहाँ पे आई थिंक दैट फाइल नेम मिसिंग होगा इसलिए वो शो नहीं करा। बट ये चीज़ें आपको एडमिन के अंदर जो जो फैसिलिटी देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। वेलकम करके यहाँ से एडमिन वाला आ जाएगा। एडमिन के प्रोफाइल वाले पे यूज़र की ऑल लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जितने यूज़र यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, हमने जितने भी यूज़र को रजिस्टर्ड किया था वो यहाँ पे हमने इसमें लिस्ट करके रखा है। यूज़र लॉगिन डिटेल्स, अगर हमें पर्टिकुलर यूज़र को सर्च करना है तो वो भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्चिंग का हमने वहाँ से आपको एक बार बताया था, इसको चाहे तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, करेक्ट करके देखिएगा, क्योंकि हमने सर्चिंग का पोस्ट वाले में बता रखा है कि कैसे सर्चिंग कराते हैं। केवल उसमें डिपेंड करेगा कि हम सर्चिंग क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं यूजर के लॉगिन डिटेल्स में। पर्टिकुलर यूजर के नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ईमेल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और यहाँ से अगर हम लॉग आउट करेंगे तो ये हमारा लॉग आउट पे आ जाएगा। तो हमने अमित एट द रेट जी मेल वाले का चलते हैं, जो हम लोग मेजरली डिस्कस करने वाले थे इमेज के बारे में। जहाँ से हम इमेज की प्रोफाइल पिक को अपडेट करने की बात कर रहे थे, इसमें अगर हम अपडेट करेंगे तो यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये चूज करके आ जाएगा। कोई भी इमेज हम चूज कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे ही इमेज हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा कि डेटाबेस में जा करके सेव होगा। कहाँ पे होगा? इस रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में। यहाँ पे ये इमेज पाथ एक कॉलम ऐड किया जाएगा अलग से, जिसमें इमेज का नाम रखा जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे अमित वाले का है तो ये ऑलरेडी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है, तो इसको हम अपडेट करेंगे तो यहाँ से चेंज कर देगा। देखिए, अपलोड करेंगे और अपलोड सक्सेसफुली हुआ और ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे देखेंगे अभी बनी विथ करके था, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके इमेज का नाम चेंज हो चुका होगा। ये देखिए आपका चेंज हो चुका है। ऐसे ही आप इसमें अभी देखो इमेज का किसी डिफॉल्ट इमेज इसमें आएगी। अगर हम राकेश एट द रेट जी मेल डॉट कॉम को अगर हम राका करके है तो इसको एक बार लॉग आउट करते हैं, और RAKA राका एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पासवर्ड सेम है 123 लॉग इन करते हैं। इसमें भी देखिए डिफॉल्ट इमेज आ रही है, और जिसमें डिफॉल्ट इमेज आ रही है वहाँ पे कुछ भी इमेज नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अपने HTML के PHP के फाइल में ही दे रखा है नाम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप कोई नई इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे, फिर अपलोड पे क्लिक करोगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे ये इमेज आपको यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से डेटाबेस में भी अपडेट हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखिए ये आपकी इमेज का नाम आपको यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो हमें केवल इमेज के नेम को डेटाबेस में सेव कराना होता है बस, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो इसमें अगर हमें मेन एनालिसिस करना है तो पोस्ट डॉट पी एच पी को ही एनालिसिस करना है। तो एक बार पोस्ट डॉट पी एच पी को ओपन करके देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें।
जो लास्ट सेशन में हमने अपलोड इमेज का जो देखा था लास्ट वाले वीडियो में या लास्ट सेशन में, उसी में आपको उसी से रिलेटेड सेम चीजें दी गई हैं। बस यहाँ पे हमने केवल थोड़ा सा प्लेसमेंट सही कर दिया है और बाकी वैसे सेम है। इसको मैं CSS को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारी IMG। IMG टैग लगाया गया है जिसमें हमारी डिफॉल्ट इमेज आ रही है। ये हमारी डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है जो अपलोड वाले फोल्डर के अंदर से इस इमेज को यहाँ से डिस्प्ले करा रहा है। और जैसे ही ऑन जी क्लिक पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लास्ट टाइम वाले में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्लिक क्या करेगा, इस वाले आईडी के बिहाफ पे वो ब्राउज कर देगा और ब्राउज करने के बाद वो इमेज आ जाएगी हमारे एक पर्टिकुलर पाथ में। और उसके बाद जैसे बटन सेव पे क्लिक करोगे फिर हमारा ये सेव वाला फंक्शन चल जाएगा। बटन सेव वाला फंक्शन चलेगा तो अपलोड इमेज फंक्शन को कॉल कर लेगा। अपलोड इमेज फंक्शन को कॉल करेगा तो ये वाला कोड जो हमने लास्ट टाइम पे लिखा था लास्ट सेशन में, ये वही सेम स्टेप्स है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। केवल एक नया एड ऑन किया गया है, सेव इमेज। सेव इमेज ये फंक्शन हमने बनाया है जिसमें इमेज का नाम पास किया है और उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव इमेज में आएंगे तो यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन किया है। गेट कनेक्शन क्या करेगा, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करके आपको कनेक्शन यहाँ पे दे देगा। और ये गेट कनेक्शन हम लोगों ने ऊपर डेटाबेस कनेक्टिविटी के टाइम पे हमने यहाँ पे किया था, अगर आपको याद हो तो गेट कनेक्शन सबसे ऊपर ये हमने किया था। और ये कनेक्शन आपको क्रिएट करके कनेक्शन आपको वापस कर देगा कहाँ पे, जहाँ से हमने गेट कनेक्शन को कॉल किया था। तो गेट कनेक्शन हमारा यहाँ से कॉल किया गया था तो आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगी। देन ये हमारा क्या करेगा कि अपडेट करेगा कौन से टेबल को, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल को, और कौन से कॉलम को सेट करेगा, इमेज पाथ वाले कॉलम को सेट करेगा जो हमने यहाँ पे डेटाबेस में उसको पास आउट किया है, इमेज पाथ रजिस्ट्रेशन वाले टेबल को। रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में इमेज पाथ को अपडेट करेगा, किस वाले वैल्यू से ये अपडेट करेगा, जो अभी हमने अपलोड इमेज करते टाइम हमने इमेज का नाम लिया है वो इमेज का नाम यहाँ पे सेट कर देगा। किसके प्लेस पे करेगा, जिसकी ईमेल आईडी यहाँ पे मैच करेगा, जो सेशन में हमने मेल आईडी पास किया था उसके मेल आईडी के अकॉर्डिंग इसका इमेज का पाथ सेट कर देगा। बस इतना ही किया गया है और उसके बाद फिर से क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे, हमारा डेटाबेस में ये क्वेरी फायर हो जाएगी और हमारा यहाँ पे अगर इंसर्ट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी तो ये हमारा सक्सेसफुली आ जाएगा। अदरवाइज क्वेरी में कोई इश्यूज रहेगा तो फिर ये फेल हो जाएगा। बस इतना ही है हमारा डेटाबेस में अगर इमेज कोई सेव करना है। बाकी हमारी इमेज जो होती है वो लोकल होस्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आपकी इमेज रखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इमेज का नेम रखा जाएगा बस वहाँ पे। ठीक है, जी जी डाई का मतलब और सर यह है सेकंड कि डाई का मतलब है कि आपका पेज टर्मिनेट कर देगा। अगर क्वेरी प्रॉपर तरीके से चल गई तो फिर आपका पेज ये वाला चलेगा नहीं क्योंकि और कंडीशन लगाई गई है। और ये वाली कंडीशन फेल होती है अगर कोई इश्यूज आते हैं क्वेरी में, देन ये वाला आपका पेज टर्मिनेट कर देगा, फिर इधर के चलने से कोई मतलब ही नहीं बनता कोड। और अगर मान लीजिए ये वाली क्वेरी प्रॉपर चल जाती है तो फिर ये हमें अपडेट देगा कि यहाँ पे रो इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 0 से ज़्यादा अफेक्टेड होती है रो तो फिर ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा भी हमने रो अफेक्टेड की एक क्वेरी होती है, एक फंक्शन होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो या फिर आप ऐसे नॉर्मल कंडीशंस भी चेक कर सकते हो। एक बार समझिए, जैसे हमने यहाँ पे राकेश का हमने ये लगा के रखा है और यहाँ पे राकेश की इमेज आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है और ना तो इनकी डिफॉल्ट पिक आ रही है। डिफॉल्ट पिक भी तो आनी चाहिए थी, तो
ऐसा ना होने का रीजन ये है कि हमने यहाँ पे कोई भी पोस्ट वाले में, जहाँ पे देखिए आपने पोस्ट डिस्प्ले कराई है, इसमें कहीं पे इमेज का कोई भी आपने कोड नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें आप डेटाबेस कनेक्टिविटी से, जैसे यहाँ पे देखो आपने कई चीजें निकाली है ना, लास्ट नेम निकाला है, कॉन्टेक्ट कंटेंट निकाला है, वैसे ही आपको यहाँ से जब इनर ज्वाइन की क्वेरी जब चलाओगे तो आपको वो भी सारी चीजें डिस्प्ले कर निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से डेटाबेस से। डेटाबेस से ये वाले कॉलम का नेम तो निकालना पड़ेगा, आपने ये निकाला है, ये फर्स्ट नेम निकाला है, लास्ट नेम निकाला है, लेकिन इमेज पाथ भी तो आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पे आप डिस्प्ले करा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं डिस्प्ले करा पाओगे। यहाँ पे कंटेंट तो पोस्ट वाले टेबल से आ रहा है और फर्स्ट नेम हमारा रजिस्ट्रेशन टेबल से आ रहा है, तो जैसे फर्स्ट नेम रजिस्ट्रेशन टेबल से आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, वैसे ही आपको इमेज पाथ भी रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से निकालना पड़ेगा। जी देन उसको भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कराने का आईएमजी टैग लगाओगे, और आईएमजी टैग लगा करके उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराओगे जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रोफाइल एक डिवीजन तो बनाया गया है, बट इसमें आईएमजी टैग नहीं लगाया गया है। अब जब आप क्वेरी से आईएमजी वाले का इमेज का नाम फेच करोगे, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, उस इमेज को आईएमजी टैग के साथ डिस्प्ले करा दोगे, फिर वो चीजें वहां पे आपको पोस्ट में आने लगेगी। इधर ये जो पोस्ट है फिर ये आने लगेगी, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना रहेगा कि सब में आपको आईएमजी का पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी में देखिए इमेज का पाथ है, किसी में नहीं है, तो जहाँ पे नहीं मिलेगा आपको डिफॉल्ट वाली इमेज पाथ डालना पड़ेगा, और जहाँ पे मिलेगा उसकी जगह पे आपको इमेज, इसमें भी कंडीशंस लगा के करनी पड़ेगी आपको। जी जी, नहीं तो एक जगह पे क्वेश्चन मार्क बन के आएगा, और जहाँ पे मिलेगा उसको इमेज का नाम, वो इमेज आपकी प्रॉपर डिस्प्ले करेगा। ये गेट स्पेसिफिक का है, ऐसे ही आपको जनरल टर्म वाले में भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो हमारे पास सारी पोस्ट आ जाती थी, एक बार हम सर्च करते थे तब पोस्ट आती थी, तो ये सर्च करने से भी हमें इसको सही करना पड़ेगा, और यहाँ से भी सही करना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। सर ये स्ट्रो टाइम क्या लिखा है, strtu टाइम 42 लाइन पे स्ट्रिंग टू टाइम दिया गया है, str का मतलब स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है, उस टाइम को डेट एंड टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है, तो इसको, और यहाँ पे आप देखोगे एक टाइम जोन को भी सेट किया गया है, एशिया कोलकाता, एशिया कोलकाता वाला, ये इसलिए सेट किया गया क्योंकि जब हम सर्वर पे होस्ट करेंगे तो हमारा सर्वर अगर किसी और रीजन में है, किसी और कंट्री में है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिस्प्ले करता है, अदरवाइज आपको इसको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा आपको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप डेट टाइम के साथ डील करोगे, तो इसको करके देखिएगा, और इसको थोड़ा सा मैं इसका कोड भेज दूंगा, आप एडमिन वाले को थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आज का टास्क यही रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप यूजर की प्रोफाइल पिक आप यहाँ पे डिस्प्ले कराइए, किस तरीके से डिस्प्ले कराओगे, जैसे यहाँ पे कराया गया है वैसे आपको कोडिंग वाले सेक्शन में जाकर के यहाँ से आप क्वेरी में थोड़ी सी आपको चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं वो आप समझ के इसको क्या करिए, जैसे यहाँ से फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वैसे आपको पिक का पाथ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जो डेटाबेस में कंसीडर कराया गया है, और इसको हमें यहाँ पे आईएमजी टैग लगा के डिस्प्ले कराना रहेगा। ये आपके लिए टास्क है, इसको करके आइएगा, और इसमें यहाँ से एक ये करना रहेगा आपको
और एडमिन का थोड़ा सा आपको, जैसे यहाँ से हम लॉग आउट करके अगर हम एडमिन की बात करें तो एडमिन में थोड़ी सी चीज़ें, इसका लुक आपको चेंज करना है एडमिन का, इसमें मेन्यू वगैरह सही करने हैं एडमिन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो आपको इसको भी सही करना है। यहाँ पे जैसे मेन्यू इसका सही नहीं है, और इसके सही से पेज की कनेक्टिविटी नहीं है, और इसमें कुछ ऐसी फाइलें हैं, जैसे यहाँ पे एडमिन में जाएंगे तो आपको एक फीडबैक का भी आपको मिलेगा, तो फीडबैक के लिए भी आपको लिंक बनाना है, प्रॉपर मेन्यू बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए फीडबैक का है, तो फीडबैक के लिए भी आपको वहाँ पे प्रॉपर एक लिंक देना है जो प्रॉपर यूजर फीडबैक दे सके। तो ये मेन्यू आपको सेट करना है प्रॉपर तरीके से एडमिन पैनल में, ये आपके लिए टास्क रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे।